देखिए, अब की बार जो तृणमूल कांग्रेस है वो सबसे ज्यादा बड़ा जीत दर्ज करके उभरी हुई है और 18,606 ग्राम पंचायत सीटों से वो जीत दर्ज कर ली हुई है, जबकि बीजेपी इससे कई सीटों पर बिछड़ गई है, वो हार रही है। और इसको लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा जीत माना जा रहा है और लोग झूम रहे हैं, गाज गा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी ने जीत दर्ज करके हासिल कर लिया है वो बड़ा मुकाम। तो जिस तरीके से वहां पे हिंसा देखा गया, हिंसा के बाद भी टीएमसी ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। आइए, किसको किसको कितना सीटें पर कितना जीत मिली हुई है, मैं आपको पूरा रिपोर्ट्स के मुताबिक समझाता हूं। तृणमूल कांग्रेस ने 18,606 ग्राम पंचायतों पर जीत दर्ज कर ली है और 8,180 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 4,482 सीटें जीत चुकी है और 2,419 सीटों पर आगे चल रही है। वाम मोर्चे ने 1,502 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 1,073 सीटें जीती और 693 पर आगे चल रही है। अन्य पार्टी ने 476 सीटें जीती और 208 सीटों पर आगे चल रही है। एक और ताज़ा रिपोर्ट आया है, उसके मुताबिक बता दें कि टीएमसी ने 118 पंचायत समिति जीती हैं, जबकि 782 सीटों पर आगे चल रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी उसी सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सीपीआई ने एक सीट जीती है और 27 अन्य सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। 9,728 पंचायत समिति सीटों के लिए चुनाव हुए। टीएमसी ने अब तक घोषित सभी 18 जिला परिषद नतीजों में भी जीत हासिल की है और 64 अन्य पर आगे चल रही है, जबकि सीपीआई ने 2 सीटें जीती है। कुल मिलाकर 928 जिला परिषद सीटें हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यहां पर टीएमसी जीत दर्ज कर ली है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।